बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से है, जहां सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला सामने आया, जहां आरक्षण कोटे को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी मिली है। अब ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण मिलेगा, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, साथ ही एससी को 13% आरक्षण दिया जाएगा। तो लंबे समय से आरक्षण बढ़ाए जाने की जो मांग हो रही थी, उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है, जहां आरक्षण कोटे को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, और हम देख रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टी इस कोशिश में जुटी हैं कि इस मुद्दे को किसी तरह भुनाया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा फैसला लिया है, और अब उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है जिसमें आरक्षण के कोटे को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। प्रदीप जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इस वर्ष के छत्तीसगढ़ के लिए अहम और भूपेश कैबिनेट में यह बहुत अहम बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें आदिवासी आरक्षण को 32% मंजूरी मिलना एक प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकती है। सामने में बहुत लंबे समय से ये रुकी हुई थी, और बाकी आरक्षण भी मिलना और ओबीसी वर्ग को भी साधने का एक 27% में, एससी वर्ग को 13% और लंबे समय से आरक्षण को बढ़ाए जाने की छत्तीसगढ़ में इस मांग को भूपेश सरकार अपने कैबिनेट में मंजूरी देना बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। जी प्रदीप, अगर बात करें तो किस तरह से जब ये प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो अब किस तरह से आरक्षण को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए, इसमें अभी सरकार के हिसाब से अभी सरकार अपने कैबिनेट में मंजूरी इधर से मिल जाने से भूपेश सरकार को जो कांग्रेस की तरफ से जो आदिवासी वर्ग नाराज दिख रहे थे, उसको एक प्रकार से साधने की प्रयास दिख रही है, और वो कांग्रेस शुरू से ही आदिवासियों के हित और अन्य समाजों के हित की बात करती है, इसमें उसको भुनाने में एक सफलता मिल सकती है। प्रदीप, अगर बात करें तो हमने ये भी देखा है कि जब आरक्षण की बात होती है तो बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे कई बार आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है, और कांग्रेस की नीतियों के चलते ही आरक्षण जो है वो आदिवासियों को मिल नहीं पाया। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब सीएम भूपेश बघेल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देखिए, अभी सामने में ही चुनाव को विधानसभा के एक चुनाव है, वहाँ पे इस निर्णय से कांग्रेस के पक्ष में आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो उधर जाते हुए नजर आएगा, और इस समय से ये भूपेश सरकार के द्वारा ये जो बात कही गई थी कि आदिवासियों का हम शुरू से हितैषी है, उसे साफ नजर आ रही है। प्रदीप, अगर बात करें तो जब जैसे इस प्रस्ताव की मंजूरी मिली, ऐसे में बीजेपी का क्या रिएक्शन था, बीजेपी की तरफ से क्या बयान है इस प्रस्ताव को लेकर? बीजेपी की अभी कैबिनेट के बैठक के बाद अभी निर्णय नहीं आ पाया है, और जैसे भी आ पाएगा वो खुलासा होगा। जी जी प्रदीप, धन्यवाद आपको इस पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां आरक्षण के कोटे को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सी भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां आरक्षण के कोटे को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।